नमस्कार, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए आज की विशेष खबरें। बाइक सवार से 20 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया, आरोपी पर NDPS एक्ट में केस दर्ज हुआ। शामगढ़ पुलिस के अनुसार मामला गरोड़ खड़ावदा साठखेड़ा रोड अंसर नदी के पास का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक क्रमांक NP14NG3590 से काले प्लास्टिक के कट्टों की चेकिंग की तो डोडा चूरा निकला, जिसका वजन 20 किलो था। मामले में आरोपी फकीर मोहम्मद पिता बाबू मंसूरी निवासी साठखेड़ा पर NDPS एक्ट में केस दर्ज कर जांच में पूछताछ शुरू की। वहीं पिछले दिनों नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल के कारण मरीजों को हुई परेशानी के बाद सरकार ने इन पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सभी जिलों से ऐसी नर्सों की सूची मांगी गई है जो हड़ताल पर रही। दरअसल मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों की सभी नर्सें हड़ताल पर नहीं थी। इनमें भी दो धड़े हैं, एक संगठन हड़ताल पर रहा। इसके बाद सभी जिलों से जानकारियां बुलाई गई कि 10 जुलाई से सामूहिक अवकाश या अनिश्चितकालीन हड़ताल में भाग लेने वालों का कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसके कारण अस्पताल में सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और व्यवस्थाएं बाधित हुई है। हड़ताल को अवैधानिक घोषित किया गया था। वहीं मलारगढ़ के पास महू नीमच फोरलेन हाईवे पर आज सुबह के वक्त एक निजी यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 21 यात्री घायल हो गए, जिनका उपचार कराया गया। बताया गया है कि कोई गंभीर घायल नहीं है। जानकारी के अनुसार इंदौर से चलकर भिलवाड़ा जा रही सरकार उपकार नाम की निजी बस यात्री बस अचानक बेकाबू होकर सड़क के बीच पलट गई। हादसा सुबह 6 बजे के आसपास हुआ। बस में सवार अधिकांश यात्री नींद में थे। हादसे का शिकार हुई यात्री बस में करीब 36 यात्री सवार थे। इस हादसे में बस में सवार 21 यात्री घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से मलारगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश मरीजों को घर भेज दिया गया। वहीं करीब 4 लोगों को हाथ पैर में फ्रैक्चर आए हैं, हालांकि इनमें कोई गंभीर घायल नहीं है। मामले में मलारगढ़ पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।